प्रदेश पर्यटन विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन देना सरकार सुनिश्चित करे। वहीं आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार ठोस नीति बनाए जिससे कि आउटसोर्स कर्मियों का शोषण न हो सके। ये मांग भारतीय मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उठाई। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति नहीं बनाती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे। गौरतलब है कि भारतीय मजदूर संघ भाजपा से संबंधित है। प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मदन राणा ने कहा कि निगम कर्मियों को कभी 10 तो कभी 15 तारीख को वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि वेतन पहली तारीख को देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाए। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ठेका प्रथा का विरोध करती है और यदि सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति नहीं बनाई तो संघ संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी व लीव इन कैश पेमेंट का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि निगम कर्मियों को वर्ष 2014 से बोनस नहीं दिया गया है, ऐसे में सरकार उसे भी शीघ्र जारी करे। मदन राणा ने कहा कि जब से प्रदेश में जयराम की सरकार बनी है तब से प्रदेश के कर्मचारियों को 2200 करोड़ की वित्तीय लाभ बिना आंदोलन के दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार पर्यटन कर्मियों की ओर नजरें इनायत करेगी। राणा ने कहा कि महासंघ ने पहले ही प्रदेश सरकार को 26 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है तथा उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही महासंघ को बैठक हेतु बुलाएगा। इसके बारे में प्रदेश की सरकार के साथ बात हुई है, इसके बाद फिर की जाएगी बात। और भारतीय मजदूर संघ हमेशा ठेका प्रथा का विरोध करता है और आउटसोर्स के ऊपर जो लोग रखे गए हैं, हम तो प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी कोई नीति बनाई जाए। अगर सरकार उनकी नीति नहीं बनाती है तो आगे जो आउटसोर्स के ऊपर जो लोग रखे जाएंगे उनका भारतीय मजदूर संघ विरोध। पर्यटन निगम के कर्मियों की कुछ मांगे हैं सरकार की तरफ उठाई गई हैं। पर्यटन निगम कर्मचारियों की जो मांगे हैं, हम तो प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे बाकी विभागों में कि कर्मचारियों को पहली तारीख को सैलरी उनके अकाउंट में पड़ जाती है, हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो 10 तारीख जो 12 तारीख को इनके अकाउंट में पड़ती है, हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करेंगे कि इनकी जो सैलरी है वो पहली तारीख को ही इनके अकाउंट में पड़ी जाए। और जो 4/9/14 का जो लाभ है इस विभाग को नहीं दिया गया है, हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको तुरंत लाभ दिया जाए। अगर आउटसोर्स नीति को जो वो सरकार नहीं अपनाती है तो आपका आगे का रुख क्या रहेगा? देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारी अत्याशी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिना मांगे कर्मचारियों को 2200 करोड़ के वित्तीय लाभ दिए। वो कर्मचारियों को दुख दर्द समझते हैं और हम अपना विषय उनके सामने रखेंगे कि ये जो आउटसोर्स के ऊपर जो लोगों को लगाया जा रहा है, ये उन नौजवानों को विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये ना किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर जब नहीं करेंगे तो उस समय की बात है कि हमने क्या करना है, वो निर्णय उस समय लिया जाएगा, उससे पहले इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। जो भारतीय मजदूर के आला अधिकारियों के जो आदेश होंगे उसके आदेश के मुताबिक हम कार्य करेंगे। थैंक यू। उस तरह से रणनीति क्या करेंगे? वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पिछले दिनों तपोवन स्थित शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि आरएमपी रूल्स ये नहीं कहते हैं कि आउटसोर्स पर रखे कर्मचारी नियमित होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय वे आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती के फेवर में हैं और ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्रदेश सरकार चला रही है। आरएनपी रूल्स कहीं ये नहीं कहते कि आउटसोर्स में लगा हुआ कोई नियमित होगा, और नियमित होने के समय उनको जानकारी रहती है कि हम किस नियमित जो है सेवाएं किस ठेकेदार किस एजेंसी के तहत कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको फ्यूचर में मौका तो मिल सकता है क्योंकि वो 18-18 सालों से काम कर रहे हैं, तो इट मींस मतलब उनके पास सरकार ने जब उनको लगाया उस समय कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हम आपको इतने महीनों के बाद या वर्षों के बाद हम आपको रेगुलर करेंगे। तो सर, ये यूथ की फेवरेबल तो कभी हुआ नहीं, इसलिए इस तरह की नौकरी वेलफेयर स्टेट कहाँ रहेगी सर? हिमाचल प्रदेश में बहुत सी नियुक्तियां जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन
और हिमाचल प्रदेश जो हमारा चयन बोर्ड सबोर्डिनेट बोर्ड है हमीरपुर वहां से होती है। आप सरकारें भी हमारी हैं, वो लोग भी हमारे ही हैं जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। अगर बाय द वे उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके पास और मौका नहीं है और काम करने का, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कोई मतलब निश्चित तौर पर कोई पॉलिसी? हम निकालने वालों में नहीं, हम रखने वालों में, और उनको मिनिमम वेजेस मिले, उनका हक अधिकार हकूक मिले, उसका संरक्षण प्रदेश सरकार करेगी श्री जयराम ठाकुर की। सर आप आउटसोर्स की फेवर में है या अगेंस्ट है? इस समय तो मैं फेवर में हूँ। और इलेक्शन से पहले अगेंस्ट? नहीं, ना अगेंस्ट में था, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चला रहे हैं। अरे व्यवस्था ठीक तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अरे एक जनरेशन खत्म हो रही है। बिल्कुल ठीक है, अगर जिनको ठीक नहीं, आपको ठीक नहीं लग रही है, पर जो लोग वहां पर लग रहे हैं वो ये कहते हैं हमें लगाओ, इसलिए आपको ठीक नहीं लग रही है, लगने वालों को ठीक लग रही है। सर कुछ नए कॉलेजों